पत्रिकागोष्ठी के तमेलू कूड़ा स्वागत को बंधु देश नमेल मेरू नायक गुजरात राज्य शासक आगे नमेल होराटगारक जिग्नेश मेवानी पत्रिकागोष्ठी के स्वागत को तमेलू कूड़ा स्वागत को पत्रिकागोष्ठिया जिग्नेश मेवानी अड्रेस नडसकोड़ता। आप सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आपको इन्फॉर्म किया, फिर भी आप तमाम लोग यहाँ पर आए, तो मैं दिल से आपको सभी साथियों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बसवन्ना जी की इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। आज बसवन्ना जी के कर्नाटका में प्रज्वला रेवन्ना का जो मामला सामने आया है, मैं मानता हूँ इससे ज़्यादा बसवन्ना जी की लेगेसी का कोई इंसल्ट या अपमान नहीं हो सकता। कर्नाटका के इतिहास का और भारत के इतिहास का सबसे कलंकित काला ये चैप्टर है, और बहुत शर्म के साथ, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री अमित शाह और भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, जो देवराजे गौड़े ने बताया कि इन तीनों लोगों को पता था, और बावजूद इसके इस बलात्कारी को टिकट दिया, और एक ऐसा खतरनाक दरिंदा है, एक ऐसा खतरनाक बलात्कारी भाजपा का ये नेता है कि उसने सैकड़ों महिलाओं के साथ उनका यौन शोषण किया है, उनका उत्पीड़न किया है, उनका मॉलेस्टेशन किया है और उन पर बलात्कार किए हैं। जहाँ तक सुनने में आ रहा है, पूरा मुल्क देख रहा है, ये एक इंसान के कम से कम 3000 के करीब वीडियोस है, 2800 2900 वीडियोस आज पूरे कर्नाटका में, पूरे देश में उसके सर्कुलेशन में है। मतलब कि आरएसएस और बीजेपी का यही वास्तविक चरित्र है। दिल्ली की सड़कों पर बलात्कार की कंप्लेन लेकर हमारी एथलेट बहनें 100 दिन तक बैठी रही, पूरी आरएसएस खामोश रही, पूरा बीजेपी खामोश रहा, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हर रोज भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, वो उस बच्चियों को, हमारी बेटियों को पूछने तक नहीं गए, उनका हाल जानने की कोशिश नहीं की। गुजरात में बिल्किस बानू नाम की एक प्रेग्नेंट बेटी, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके आंखों के सामने 11 उसके परिवार के 11 लोगों का खून हुआ, 3 साल की बच्ची को मार दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तमाम आरोपियों को, तमाम रेपिस्टों को आजीवन कारावास। मोदी की, आरएसएस की, भाजपा की, गुजरात सरकार ने सभी बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से छोड़ दिया, उनका स्वागत सम्मान किया, अबिल गुलाल उड़ाड़ा, ढोल नगाड़े बजाए, उनको साल पहनाई और मिठाई बांटी, मानो वो बलात्कारी कोई राष्ट्रपति का मेडल जीत कर आए हो। ये आरएसएस और बीजेपी का वास्तविक चरित्र है। मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके पूरे देश के सामने घुमाया गया, फिर भी प्रधानमंत्री जो मंगलसूत्र का म बोलते हैं, वो मणिपुर का म नहीं बोल पाए। हमारी आंखों के सामने, आप सोचिए पूरी दुनिया इसको किस प्रकार से देखती होगी, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया देख रही कि हिंदुस्तान के मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, और देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हाथरस की बेटी, दलित समाज की बेटी, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, उसका खून हुआ, और उसका डेड बॉडी उसके परिवार को, लोगों को देने के बजाय पेट्रोल डालकर रात के 12-1-2 बजे उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया, उसके परिवार के लोग उसके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। मेघालय भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष पकड़ा गया, क्या चला रहा था, पूरा एक रिसोर्ट चला रहा था, आरएसएस और बीजेपी के लोग रंग रैलियां मनाए, आरएसएस और बीजेपी के लोगों के सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए पूरा मेघालय में रिसोर्ट चला रहा था,
और जब हमारी जांच एजेंसियों ने वहां पर छापा मारा, गिरफ्तारियां की, तो पता चला कि 18 साल से कम उम्र की 6 बच्चियां वहां पर पाई गई। मतलब कि आरएसएस और बीजेपी के लोग मेघालय में इस देश की बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, और पूरे आरएसएस और बीजेपी के लोग इस मामले में एक फार्म हाउस और रिसोर्ट खड़ा किया था। और अभी ये प्रज्वला रेवन्ना का मामला जो आया है, पूरी दुनिया के सामने भारत की आबरू को नीलाम किया है, हमारे देश की अस्मिता और गौरव को खंडित किया है, पूरी भारत भूमि को लज्जित किया है। मैं कहना चाहूँगा, भारत की सभी जाति और धर्म की बेटी हमारे लिए भारत माता है। वो हाथरस की बेटी हो वो भी भारत माता है, हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, पारसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, वो सभी भारत माता है। तो मैं कहना चाहूँगा, इन भारत माता के ऊपर बलात्कार करके, उनके वीडियो बनाकर, उनका यौन शोषण करके, इतने भयंकर स्कैंडल को, इतने भयंकर कांड को अंजाम दिया, और इस रैकेट, इस स्कैम, इस सेक्स कांड के बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पता था, गृह मंत्री अमित शाह को पता था, जेपी नड्डा को पता था, जेडीएस बीजेपी को पता था, भाजपा जेडीएस के लोगों जिनको टिकट चाहिए थी उन्होंने बोला था कि इस प्रकार की सीढ़ी हमारे पास पड़ी है, आप उसको टिकट मत दीजिए। बावजूद उसके उसको न केवल टिकट दिया, टिकट तो दिया, बेशर्मी के साथ निर्लज्ज होकर प्रधानमंत्री ने उसके लिए कैंपेन किया। तो जो बलात्कारी है, जो मॉलेस्टर है, जिसके खिलाफ इतने संगीन इल्जाम है, जिसकी 3000 के करीब सेक्स के वीडियोस है, उसके कैरेक्टर के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान समझ गया, लेकिन ऐसे चरित्रहीन कैरेक्टरलेस लोगों को टिकट देने वाले, उसके कंधे पर हाथ रखने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले और उसके लिए चुनाव में प्रचार करने वाले नरेंद्र मोदी साहब का चरित्र क्या, ये पूरे भारत की 135 करोड़ जनता आज कर्नाटका की धरती से सवाल पूछ रही है। ये लोग आपसे और हमसे भी ज्यादा भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, लेकिन भारत की बहनों, भारत की बेटियों, भारत की माताओं के साथ बलात्कार करते हैं, और इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बलात्कारियों की पार्टी है, ये लंपट चरित्रहीन लूज कैरेक्टर के लोगों की पार्टी है। 1925 से लेकर अब तक का आरएसएस का, जनसंघ का, भाजपा का यही इतिहास रहा है। गुजरात के अंदर कम से कम 40,000 बेटियां गायब हो चुकी है, 40,000 वुमन, वो कहाँ गई, अपनी मर्जी से गई, उनको किडनैप किया गया, कोई उठा के लेके गया। नरेंद्र मोदी, गुजरात बीजेपी दोनों साइलेंट है। उससे भी चार गुना संख्या में मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के शासन के दौरान हजारों हजार इस मुल्क की बहन बेटियां गायब हो चुकी है। इनके साथ क्या हुआ, इस देश का प्रधानमंत्री, आरएसएस और बीजेपी खामोश। यहाँ बीजापुर की बात करें, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के एक इश्यू को लेकर आरएसएस और बीजेपी के लोग जानबूझकर, चूंकि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं, चूंकि उनके खिलाफ अंडर करंट साफ दिख रहा है, साउथ इंडिया के अंदर भाजपा साफ हो चुकी है, नॉर्थ गुजरात में हाफ होने वाली है, ये आरएसएस बीजेपी और नरेंद्र मोदी को पता चल गया है, तो अब ये आरएसएस और बीजेपी के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के नाम पर दलित और लिंगायत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित समाज का बहुत बड़ा तबका बाबा साहब अम्बेडकर में मानता है, लिंगायत समुदाय का बहुत बड़ा तबका बसवन्ना जी में मानता है। मैं बसवन्ना और बाबा साहब में मानने वाले दोनों लोगों को अपील करता हूँ कि दोनों जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, दोनों समानता की बात करते हैं, दोनों भाईचारे की बात करते थे, दोनों एकता की बात करते थे, दोनों सर्व समाज के लोगों को साथ में चलने की बात करते थे। तो दोनों को मैं हाथ जोड़कर गुजरात से चलकर आया हूँ, पूरे लिंगायत समाज और यहाँ के पूरे दलित समाज को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, रोटी कपड़ा मकान
बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं का आत्मसम्मान, यही कर्नाटका के, यही भारत के असली मुद्दे हैं। आपस में लड़ने से कभी फायदा नहीं होगा। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले हमारे बीच में तलवार और त्रिशूल बांटते हैं और अमित शाह के बेटे को 50,000 करोड़ का बीसीसीआई का कारोबार देते हैं। वो अपने साधु भाई और बहनों ही को करोड़ों के, अरबों के टेंडर देते हैं, अपने बेटे बेटी को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बेचते हैं और हमें हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इन नाम से हमको लड़वाने की कोशिश करते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ यहाँ के सारे समुदाय को कि चुनाव सर पर है, हमारी कौमी एकता को बनाए रहिए, यही बसवन्ना जी का संदेश है। धारवाड़ हुबली में भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति के द्वारा एक हिंदू समाज के व्यक्ति का खून हुआ। कभी हिंदू मुसलमान का खून करता है, कभी मुसलमान हिंदू का खून करता है, दलित और सवर्ण के बीच में झगड़ा होता रहता है। कांग्रेस की सरकार, सीतारामैया की सरकार डिटरमाइंड है, ये हमारा कमिटमेंट है। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी, ओबीसी, जनरल, कोई भी हिंसा करेगा हमारी सरकार बर्दाश्त करेगी नहीं। हर कीमत पर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिया, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके खिलाफ एक पुख्ता इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। वो बात करें बेरोजगारी पर, मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे, 10 साल हो गया, कहाँ है 20 करोड़ रोजगार? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के मुताबिक 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात छोड़ो, उल्टा जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना में जिस प्रकार का मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट हुआ, उसके कारण 6 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए। करोड़ों लोगों ने सरकारी नौकरी की मांग की तो मोदी की सरकार केवल 7,22,000 को रोजगार दे पाई। 28 से 35 करोड़ हमारे इकोनॉमिस्ट के कहने के मुताबिक 28 से 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। मोदी साहब ये क्यों नहीं कहते कि मैंने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, उसके लिए मुझे वोट दो? क्यों नहीं कह रहे मोदी साहब? मोदी साहब क्यों नहीं कह रहे कि मैंने महंगाई को ख़त्म कर दिया, मैंने किसानों की आय दुगनी कर दी, मैंने दलित, आदिवासी, ओबीसी के लिए मैं जाति जनगणना करवाऊंगा, मुझे वोट दो? किस मुद्दे पर वो वोट मांग रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मंगलसूत्र है। अरे दिल्ली की सड़कों पर 750 किसानों की किसान आंदोलन के दौरान मौत हुई, उन्होंने बलिदान दिए, उनकी बहनें जो विधवा हुई, उनके मंगलसूत्र का क्या? तो अब तमाम समझदार लोग हैं, अब तमाम मीडिया के साथियों को मैं यही अपील करने के लिए गुजरात से चलकर आया हूँ। गुजरात मॉडल के मुकाबले कर्नाटका का सीतारामैया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट 1,000 गुना बेहतर है। यहाँ के सीतारामैया जी की सरकार, डी के शिवकुमार जी, हमारी कांग्रेस पार्टी जो कहती है, जो मैनिफेस्टो में लिखती है, वो कर दिखाती है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो ने जो कहा था वो करके दिखाया है। और इस बार भी इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, किसानों का कर्जा माफ होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानून बनेगा, डिप्लोमा डिग्री करने वाले हर स्टूडेंट को हर महीने 8,500 रुपया मिलेगा, परिवार की एक महिला को जो गरीबी रेखा के नीचे है, उन तमाम महिलाओं का सर्वे करके परिवार की एक महिला को 1 साल के लिए ₹1,00,000 मिलेगा, और खाली पड़े तमाम सरकारी पदों में भर्ती करके 5 साल के अंदर 30,00,000 युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी देने जा रही है। तो आरएसएस, बीजेपी और मोदी का मुद्दा है मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाओ। हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, हमारा यही पैगाम है कि भाईचारा हो, एकता हो और सभी जाति और धर्म के लोगों का भला हो, यही बीजापुर की जनता समझे, किसी के बहकावे में ना आए, आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा समझे। और पूरे बीजापुर की, पूरे कर्नाटका की बहनों और माताओं को अपील करता हूँ, पूरे कर्नाटका के सभी और जाति धर्म की बहनों को अपील करता हूँ, कम से कम अपना एक वीडियो बनाइए और पूरे भारत को बताइए कि कर्नाटका की माताओं के साथ, कर्नाटका की बहनों के साथ, कर्नाटका की बेटियों के साथ 16 साल की बच्ची से लेकर अपनी दादी की उम्र की,
65 साल की महिलाओं के साथ जिस प्रकार से ये प्रज्वला रेवन्ना ने बलात्कार किए हैं, पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि यहाँ भारत माताओं के साथ क्या हुआ, यहाँ कर्नाटका की भारत माताओं के साथ किस प्रकार से रेप और बलात्कार हुआ, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को पता चले। इसलिए कर्नाटका की एक एक बहन अपना भी वीडियो बनाए और जनता को जागरूक करे, ये बात आपके बीच में रखना चाहता था। आपके जो भी सवाल है मैं उसका जवाब दूंगा। मोदी जी ने अभी अपने मोदी जी पे आता हूँ तो कह रहे थे कि पहले तो शुरुआत की थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब यहाँ तक बोल रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं और घुसपैठ यहाँ तक का, आपके हिसाब से ये कैसा? देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करने, और संविधान के साथ, संविधान के मूल्यों के साथ नरेंद्र मोदी साहब को कोई लेना देना नहीं। वो 4.5 साल विकास की बात करते हैं, जैसा ही चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान ये 6 शब्दों का प्रयोग ना करें मोदी जी और फिर चुनाव में उतरे, उनकी 200 सीट नहीं आएगी। सर, जो स्लोगन है आपकी बार 400 पार, क्या किस मुंह से आप कह रहे हैं? क्या हिंदुस्तान की भारत की माताएं और बहनें इन बलात्कार करने वाले लोगों को वोट देंगी? क्या हिंदुस्तान की बहु बेटियां बलात्कारियों को समर्थन करने वाले नरेंद्र मोदी को 400 सीट देगी? ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों की, बलात्कारियों की पार्टी को कौन वोट देगा? ये नामुमकिन है। और यार बीजेपी के लोग गुजरात मॉडल चाहते हैं। यही है गुजरात मॉडल? बिल्किस बारू के बलात्कारियों को जेल में से छोड़कर लड्डू खिलाओ, हाथरस में बलात्कार का शिकार हुई बेटी की बॉडी, डेड बॉडी उसके परिवार को देने के पहले पेट्रोल से जला डालो, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाए खामोश रहो, 3000 वीडियो आए बलात्कार के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के, पोर्नोग्राफी के, मोलेस्टेशन के, ये प्रज्वला रेवाने के, उसका कॉग्निजेंस न लो, उस पर खामोश रहो, उसके सर पर आशीर्वाद दो, उसको टिकट दो, उसको उसका प्रचार करो। यही आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना। वो 400 नहीं आ रहे तो इंडिया अलायंस का आपके हिसाब से इस बार सरकार बनने वाली? बिल्कुल, इंडिया अलायंस का 110% सरकार बनेगा, डंके की चोट पर बनेगा, और साउथ इंडिया से पूरा भाजपा साफ होगा। वर्स्ट केस में भी कर्नाटका में 20 के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सीटें आएगी, इंडिया अलायंस की सीटें आएगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आपके साथी पटेल साहब बीजेपी को क्यों? जिनको विचारधारा के साथ ज्यादा सरोकार नहीं वो चले गए, जो आइडियोलॉजिकली साउंड है वो आपके बीच में खड़ा है। ये पृथ्वी का गोला उल्टा हो जाए तब तक, आखिरी सांस तक आरएसएस और बीजेपी के साथ मैं कभी समाधान नहीं कर सकता, ये मेरी विचारधारा है। पुलवामा दाड़े के बारे में मोदी ने, पुलवामा का जो घटना हुआ जी, पुलवामा की घटना के बारे में मलिक साहब जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे उन्होंने साफ बताया, 11 इंटेलिजेंस रिपोर्ट थे कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई वारदात घटना हो सकती है, आप चौकन्ने रहिए, आप आर्मी के जवानों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगह पर उनको पहुँचाइए। 11 इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बावजूद सत्यपाल मलिक और हमारी एजेंसियों को बार बार कहने के, चिल्लाने के बावजूद भी उनको एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगह पर नहीं ले जाया गया, और उसी का नतीजा है हमको 40 से ज़्यादा जवान खोने पड़े। ये नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार के लिए कलंकित है। कर्नाटक में क्या अंदाजा, कितने? बहुत बढ़िया, कर्नाटका की जनता, मैंने कहा ये बसवन्ना जी की धरती है, कितना भी प्रोपेगेंडा आरएसएस बीजेपी करे, असेंबली के चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि पार्लियामेंट के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी 20 से ज़्यादा सीट लेकर आएगी। बेरोजगारी का सवाल जो उसकी चरम सीमा पर पहुंचा है, महंगाई का सवाल उसकी चरम सीमा पर पहुंचा है, ये कर्नाटका की जनता समझ रही है। साथ साथ ये भी देख रही है कि सीतारामैया जी ने जो भी प्रॉमिस किए थे, परिवार को 10 किलो चावल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल फ्री, महिलाओं के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट फ्री, और युवा साथियों के बैंक अकाउंट में पैसा देना, महिलाओं को हर महीने 2-3 हज़ार देना, वो सारे प्रोमिसेस जिस प्रकार से फिलअप किए हैं तो कर्नाटका की जनता में उसका बहुत बड़ा मैसेज है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो भी बोलेगी वो करके दिखाएगी। जो भारत जोड़ो हुआ उसमें लाखों लोग आए, उसके बाद भारत नया जोड़ो, लेकिन
कई लोगों का मानना है कि वो कोई भीड़ आई लेकिन उसे शायद वोट कन्वर्ट होना मुश्किल है। नहीं, आपके कर्नाटका में पता चल जाएगा। कर्नाटका के चुनाव के पहले भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज पूरा हुआ, कर्नाटका में बढ़िया रिजल्ट मिला। लेकिन मेरा तो यहाँ तक कहना का सवाल है कि ये कबीर का देश है, ये ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, बसवन्ना और सूफी संतों की भूमि है। यहाँ पर कोई भी आरएसएस बीजेपी टाइप का फोर्स देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करे उससे हिंदुस्तान की आत्मा जख्मी होती है। ये जख्मी हुई हिंदुस्तान की आत्मा पर मोहब्बत का मलहम लगाने के लिए कोई भी निकले ना, वो चुनावी फायदे से बहुत बड़ी चीज़ है। वो फायदा राजस्थान में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश सब जगह पे फायदा होगा। हाँ, आप भी भविष्य वेता नहीं, मैं भी भविष्य वेता नहीं, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। देखिए आप सॉरी तो बताए ना मोदी जी, कितना रोजगार हुआ, आज रुपये की कीमत क्या है, महंगाई उसकी चरम सीमा पर कितने हैं, अब स्मार्ट सिटीज बनाने वाले थे क्या हुआ, बेरोजगार लोगों को नौकरी देने वाले थे क्या हुआ। पेट्रोल डीजल और जीएसटी के जरिए, पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स लगाकर और जीएसटी के माध्यम से भारत की 135 करोड़ जनता की पॉकेट से 58 लाख करोड़ चूस दिया है। किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते, कितना कर्जा माफ किया कॉरपोरेट कंपनी और बिजनेस हाउसेस का, 16 लाख करोड़। किस प्रकार के विकास की आप बात करते हैं? आप ही कह रहे हो कि 80 करोड़ लोग राशन पर जी रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हो विश्वगुरु बनना है, जहां महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाए, महिलाओं के 3000 वीडियो कर्नाटक और भारत में घूम रहे हो सेक्स कांड के, और आपको विश्वगुरु बनना है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनके अंदर शर्मिंदगी होनी चाहिए, उनको लज्जित होना चाहिए। प्रधानमंत्री को ये फील करना चाहिए कि मैंने बलात्कार करने वाले लोगों को टिकट दिया, मैंने बलात्कार करने वाले लोगों के लिए कैंपेन किया। मॉरल ग्राउंड पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिजाइन करना चाहिए। अमित शाह जी बोल रहे हैं कांग्रेस के पास फेस ही नहीं है प्रधानमंत्री। मैं फेस नहीं हूँ? सीतारामैया जी फेस नहीं है? डीके शिवकुमार जी फेस नहीं है? राहुल गांधी जी फेस नहीं है? सचिन पायलट फेस नहीं है? कन्हैया कुमार फेस नहीं है? फेस ही फेस है। भाजपा वाले जैसे बलात्कारी फेस हमारे पास नहीं है। हाँ, हमारे पास अच्छे साफ सुथरे चेहरे हैं। वो तो इंडिया अलायंस की सारी पॉलिटिकल पार्टियां साथ में बैठकर तय करेगी, कलेक्टिवली डिसीजन लेंगे। आपको बताऊंगा पहले, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।